दिस इज नॉट राइट, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन अगर उस टाइम आप ब्रेक मारते हो और आपकी डिस्क ब्रेक पूरी गर्म है, तो हो सकता है और होता भी है कि भाई बाइक जो है ब्रेक नहीं लेती है। यार 20 किलोमीटर में कितना पेट्रोल बचा लूंगा, लेकिन अगर ब्रेक पैड घिसेंगे तो 3000 रुपए लगेंगे। अपनी बाइक कभी भी ना आप हाफ क्लच पे ना चलाएं। तो सब लोग क्या करते हैं दोस्तों, गियर डाउन करने की जगह ना वो हाफ क्लच दबा के रेस दे देते हैं, और ये करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी दोस्तों। ये करने से क्या होगा, आपकी क्लच प्लेट जो होती है ना God। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम हैं मसूरी में, और भाई देख सकते हो यार क्या खूबसूरती है, बहुत ही बढ़िया। और भाई मैं अभी पता है क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बचा रहा हूँ पेट्रोल। तो देख सकते हो बाइक बिल्कुल ही बंद है, थोड़ी सी गंदी है, थोड़ा प्लीज़ अवॉइड करना। तो मैं अभी क्या बचा रहा हूँ, मैं अभी बचा रहा हूँ पेट्रोल, क्योंकि भाई पता है क्या होता है, जब आप मसूरी से दिल्ली की तरफ जाते हो ना तो 20 किलोमीटर का स्लोप है। तो यार 20 किलोमीटर मेरी बाइक बिना पेट्रोल के चल सकती है, तो सोच रहे हो ना कितना कितना सारा पेट्रोल मतलब यार बच जाएगा मेरा। और कह सकते हो आप 20 किलोमीटर मतलब यार देख सकते हो कि बहुत सारा पेट्रोल मतलब बच जाएगा यार, मतलब बहुत सारा भी नहीं, लेकिन हाँ एम्पल अमाउंट ऑफ यार देख थोड़ा बहुत भी बच रहा है तो बच रहा है, क्या दिक्कत है, अपनी बाइक तो चल ही रही है। और आराम से बाइक ना भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की स्पीड से बिना इंजन स्टार्ट करे चल रही है। लेकिन दोस्तों दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है और इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है, और ये कभी आपको करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, अगर आप इंजन स्टार्ट नहीं करके रखोगे ठीक है, आप क्या करोगे, आप बार बार ब्रेक मारोगे, आप ढलान पे जा रहे हो कितनी ब्रेक मारोगे दोस्तों, फिर उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी जो डिस्क पैड होती है वो हो जाती है गर्म, एंड जब वो गर्म हो जाती है उसमें से धुआं भी आ जाता है, जैसे कि हमारे साथ मनाली राइड पे हुआ था। एक्चुअली हमारे पंकज भाई चला रहे थे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब वो चला रहे थे उन्होंने ब्रेक यूज़ करे और क्या हुआ, ब्रेक में से आने लग गया धुआं। क्योंकि दोस्तों देखो अगर आप ज़्यादा ब्रेक मारोगे ना, वेल तो व्यू देखो भाई क्या खतरनाक है, तो अगर आप ज़्यादा ब्रेक मारोगे ना तो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा ब्रेक मारने से डिस्क पैड हो जाते हैं गर्म, और जो ब्रेक पैड होते हैं फिर उन्हें पकड़ते नहीं है, एंड उससे क्या होता है कि ब्रेक लगने दोस्तों बंद हो जाते हैं। तो जब आपको एक्चुअल में ब्रेकिंग की जरूरत होगी, क्योंकि यार देख सकते हो ये तो फिर भी यहाँ पे बाउंड्री है, कभी कभार ऐसा भी रोड आता है जहाँ पे बाउंड्री नहीं होती, तो मान लो अगर वहाँ पर बाउंड्री नहीं है आपकी बाइक थोड़ी सी स्पीड में, लेकिन अगर उस टाइम आप ब्रेक मारते हो और आपकी डिस्क ब्रेक पूरी गर्म है, तो हो सकता है और होता भी है कि भाई बाइक जो है ब्रेक नहीं लेती है और आप सीधा पार हो जाओगे। तो इस टाइम दोस्तों यूज़ होती है इंजन ब्रेकिंग। वेल इंजन ब्रेकिंग क्या है, मुझे ये लगता था कि यार ये ना बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जब मैंने देखा यार अपने फ्रेंड सर्कल में ही लोगों को ये नहीं पता है, और वो ब्रेक मार मार के यूज़ करते हैं, अपनी बाइक को रोकते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, उससे आपके ब्रेक पैड भी बहुत घिसेंगे। तो उससे पेट्रोल बिल्कुल मतलब कितना ही पेट्रोल बचा लोगे यार, स्लोप पे अगर आप इंजन स्टार्ट करके ले जाओगे ना कोई पेट्रोल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। ये एक 650 सीसी की बाइक है, ये आपको ना 100 किलोमीटर का माइलेज दे देगी ऐसे जाने में, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल लग ही नहीं रहा है, पावर ही नहीं लग रही है। तो दोस्तों इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए आपको इंजन ब्रेकिंग, मैं ये नहीं कहता ब्रेक मत यूज़ करो, आपको यूज़ करनी चाहिए इंजन ब्रेकिंग। उससे क्या होगा, आपको जितने ब्रेक अवॉइड कर सकते हो उतने करो, ताकि यार जब आपको इमरजेंसी हो, जब एक्चुअली ब्रेक की नीड हो, तब ब्रेक आपका लग जाए, राइट। तो अब मैं बता दूं आपको इंजन ब्रेकिंग क्या होती है। वेल मैं बाइक स्टार्ट कर लेता हूं यार, मैंने भी अपने ब्रेक पैड बहुत घिस लिए है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हैं, अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो इंजन ब्रेक यूज़ करना है दोस्तों, और उसके साथ साथ मैं आपको दो चार चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपको यूज़ करनी है जब आप माउंटेन में बाइक चलाते हो। अब देख रहे हो दोस्तों मेरी ये बाइक, मैंने ब्रेक नहीं दबाया है, ठीक है, पूरा अलग है, और मेरी बाइक बिल्कुल स्लो चल रही है। क्यों? क्योंकि इस इंजन में इतनी पावर है, अपने आप ही ब्रेक कर रहा है, मुझे ब्रेक पैड दबाने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपके जो ब्रेक पैड है वो घिसते नहीं है। अब देखो यार इसके ब्रेक पैड अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल लूँ तो इसके ब्रेक पैड आते हैं 3000 रुपये के, ठीक है, और अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो 100 रुपये लीटर चल रहा है। यार 20 किलोमीटर में कितना पेट्रोल बचा लूंगा, लेकिन अगर ब्रेक पैड घिसेंगे तो 3000 रुपये लगेंगे, सोच सकते हो कितना डिफरेंस है। तो ये उस चीज़ से भी अच्छा है आपके पैसे वैसे की वजह से, लेकिन मनी से ज़्यादा मैं कहूँगा आपकी लाइफ का ये सेवर है यार, क्योंकि बहुत बार यार ऐसा होता है जब आप इतने ब्रेक दबा देते हो, क्योंकि यार हमारी मनाली राइड पर हमने एक्सपीरियंस करा था, ब्रेक पैड में से धुआं निकलने लग गया था भाई, जबकि इतनी ठंड होती है, लेकिन यार एक्सेसिवली आप यूज़ करोगे भारी बाइक है तो ब्रेक पैड पक्का यार घिसेंगे हीट होंगे ही होंगे, और फिर वही आपको पता है दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों इंजन ब्रेकिंग कैसे काम करती है,
यार इंजन में ऑलरेडी इतनी पावर होती है कि यार वो आपकी बाइक को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि मान लो, और उसके लिए आपको करना क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं करना। जैसे कि मान लो मेरी बाइक अभी तीसरे गियर में चल रही है, तीसरे गियर में ये बिल्कुल मस्त चल सकती है, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको एक कम गियर में डाल दूंगा और ये है दूसरा गियर, तो इसको मैं दूसरे गियर में चलाऊंगा, राइट। अब मान लो यहाँ पे स्लोप है, मैं ब्रेक मारने की जगह एक्सेलेरेटर का सब कुछ छोड़ दूंगा, ये लो पैर मैंने ऊपर रख लिया, अपने आप बाइक स्लो हो गई है, अपने आप बाइक स्लो हो गई है, देख रहा हूँ कितनी स्लो हो गई है यार। और जब मुझे चलानी है आराम से चला सकता हूँ। इससे एक फ़ायदा और होता है दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होता है कि भाई आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना होता, गियर शिफ्ट नहीं करोगे आपकी क्लच भी हेल्थी रहेगी, राइट। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है और आपको ये यूज़ करनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड इंजन ब्रेकिंग दोस्तों, दिस इज़ लाइफ सेवर एंड बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है जब आप डाउन हिल्स जाते हो, ठीक है, कि आप ब्रेक का कम यूज़ करें और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दोस्तों एक बार ही में नहीं आएगी चीज़ें, टाइम लेती है, हमें खुद यार टाइम लगा चीज़ों को सीखने में, लेकिन जब आप सीख लेते हो ना एक बार ही, तो आपकी बाइक की लाइफ ना बहुत बढ़ जाती है यार, बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि यार आप बार बार क्लच दबाते हो, आपने देखा होगा कि लोग लद्दाख वगैरह जो जाते हैं, कभी कभार क्लच प्लेट फूक जाती है, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनकी क्लच प्लेट फूक जाती है, उनकी बाइक पिकअप लेना ही छोड़ देती है। तो वो कैसे होता है, वो इसीलिए होता है वो बार बार क्लच यूज़ करते हैं। तो यार ये चीज़ें ना आपको थोड़ी ध्यान देने रखनी होती है, ठीक है। तो डाउन हिल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है। आपको हमेशा से ना, जैसे ही आप ब्लाइंड टर्न देख रहे हो भाई, हॉर्न मार के चलो, क्योंकि आगे से यार गाड़ी कोई सी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और कभी कभार जो होते हैं बहुत ही शार्प टर्न लेते हैं तो यार रिस्क होता है। तो आप पहले ही हॉर्न बजा दो ताकि आगे वाले बंदे को पता चल जाए कि हाँ भाई कोई आ रहा है। उससे क्या होगा, उससे यार आप सेफ रहोगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा कि भाई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और यार आप नहीं जाओगे कि ऐसा कुछ हो। अब देखो यार दोस्तों, ये आराम से ना मैं ब्रेक व्रेक कुछ नहीं दबा रहा हूँ, बस रेस पे चल रही है बाइक, रेस से। अब आप कहोगे कि यार इंजन ब्रेकिंग से क्या इंजन पे इंजन ख़राब हो जाएगा, नहीं यार इंजन ख़राब नहीं होता दोस्तों। जो पावरफुल बाइक होती है, बड़ी बाइकें होती है, उनके इंजन ऑलरेडी इतने पावरफुल होते हैं कि वो बाइक को रोक लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है। सो दोस्तों ये तो रही डाउन हिल्स जाने की बात। अब जो दूसरी चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है अपहिल। तो मैंने अभी फ़िलहाल यूटर्न लिया है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि यार अपहिल्स पे बाइक कैसे चलाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यार रेस का ही खेल है सारा। अब पता है मेनली लोग क्या करते हैं, अब उनको लगता है कि यार स्पीड में बाइक चलानी चाहिए। पहली बात तो देखो, आप स्पीड में बाइक ना ही चलाओ तो ही अच्छा है, लेकिन लोगों को लगता है स्पीड में बाइक चलानी चाहिए, और वो अपने गियर्स जो होते हैं ना पूरे, मतलब कहते हैं यार, जैसे मान लो मेरी बाइक तीसरे गियर पे मैं चलाऊंगा, तो देखो ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब तीसरे गियर पे क्या करूँगा, मैं हाफ क्लच दबा के रेस दूंगा ताकि मेरी बाइक चढ़ जाए। और ये करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। ये करने से क्या होगा, आपकी क्लच प्लेट जो होती है ना, आपको पता होगा आपकी बाइक कैसे चलती है, इंजन जो होता है ना दोस्तों कॉन्टिन्यूसली घूमते रहता है, और जब आपकी प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट आपस में मिलती है तब आपके व्हील को पावर मिलती है। तो अगर वो हल्का हल्का टच होगा ना तो दोनों ही घिस जाएगी, उसको प्रॉपर इंगेज होना ज़रूरी होता है। तो जब भी दोस्तों आप अपहिल जाओ, अप्लाई दिस रूल कि आपको लग रहा है ना तीसरे गियर में आपकी बाइक भाग तो जाएगी, दूसरे गियर में चलाओ भाई इसको, और सिर्फ रेस से खेलो, क्लच का यूज़ कम करो। बहुत बार देखा है दोस्तों लोग हाफ क्लच पे बाइक चलाते हैं, दूसरे गियर में ही बाइक उठा देते हैं, तीसरे गियर में कहते हैं यार बाइक में बहुत पावर है, चल तो रही है। आप कभी भी गलती मत करना, दूसरे तीसरे गियर में मत उठाना, एक गियर कम करके चलाओ, इससे आपकी इंजन की लाइफ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको आराम से चला भी पाओगे, ना आपकी ब्रेक ज़्यादा यूज़ होगी, ना आपके क्लच ज़्यादा यूज़ होंगे, ना कुछ। और रास्ता देखो भाई क्या खूबसूरत है। तो भाई देख रहे हो, आराम से मैं दूसरे गियर में, इस बाइक का ये दूसरा गियर सूटेबल है, रेस देके आराम से चला रहा हूँ, बार बार मुझे क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो दोस्तों देखो, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है जो सबको नहीं पता, बट यस मैंने ये देखा यार कि अगर मेरे 10 दोस्त हैं तो 10 में से 8 दोस्तों को नहीं पता है, सिर्फ एक या दो दोस्तों को पता है कि ऐसे बाइक चलाई जाती है। और उससे क्या होता है दोस्तों, देखो बाइकें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और आप नहीं चाहोगे कि यार अगर आप किसी टूर पे जा रहे हो, किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो बीच में ही बाइक का ब्रेकडाउन हो जाए। अब देख रहे हो दोस्तों, मैंने क्लच व्लच कुछ यूज़ नहीं करा, मेरी बाइक आराम से चल रही है यार, मेरी इस बाइक में दूसरे गियर पे ऐसे चल रही है। मे बी आपके में, अगर आपकी बाइक में कम सीसी है, कम पावर है, तो फर्स्ट गियर पे चले। तो बार बार आपको शिफ्ट नहीं करना है। आप देखो ये स्लोप आया, दूसरे गियर में ये बिल्कुल प्यार से उठ जाएगी, बिल्कुल प्यार से उठ गई, कट थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने। और एक चीज़ दोस्तों, जब भी आप माउंटेन में चलाएं और आपके सामने कोई ये बड़ा व्हीकल चल रहा हो, कभी भी एग्जैक्ट इनके पीछे मत चलो, डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, या फिर साइड में चलो थोड़ा सा, क्यों, हाई एल्टीट्यूड पे कभी कभार ये पावर लैग करते हैं और ये पीछे आने लग जाते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है।
तो आप पीछे चलाओ या इनसे साइड चलाओ, इनके बिल्कुल चिपक के मत चलाओ। पहले मैं ये गलती करता था लेकिन भाई मैंने सीखा, और ये गलती आप ना करिए। तो दोस्तों दोबारा से यूटर्न ले लिया है दिल्ली के लिए, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो इस इंजन ब्रेकिंग के बारे में। एंड यार देखो, ऐसा कोई सच बड़ा वीडियो नहीं था, बट यार आई थिंक व्हाट आई फील कि यार जिस लोगों को नहीं पता ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी बाइक की क्या वाट लगा रहा था जब मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जो लोग अभी न्यू राइडर हैं, जिन्होंने अभी माउंटेन्स पर बाइक नहीं चलाई है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या फिर ये गलतियां करते हैं, ताकि उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी थोड़ी हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके। तो राइट दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।